एक 13 वर्षीय लड़के ने जो तनाव में था एक तुच्छ कारण के लिए एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 4 अप्रैल 2023 को मुंबई के पास भायंदर में रहने वाला 13 वर्षीय शत्रुघ्न पाठक अपने एक रिश्तेदार के साथ बाल कटवाने गया था। उसने नाई को निर्देश दिया कि वह कैसे बाल कटवाना चाहता है, लेकिन बाल काटते वक्त कुछ गलत हो गया और नाई को उसके बाल छोटे काटने पड़े। शत्रुघ्न बाल कटवाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके बाल जल्दी बढ़ जाएंगे। जब वह घर लौटा तभी भी शत्रुघ्न अपने छोटे बालों को लेकर बेहद परेशान था। उसके परिवार ने उसे समझाया और भूल जाने को कहा, लेकिन वह नाराज था। रात में जब परिवार वाले सोने चले गए तब करीब 11:30 बजे परेशान शत्रुघ्न बाथरूम में गया और खिड़की से छलांग लगा दी। वह धड़ाम से ग्राउंड फ्लोर पर गिरा और उसकी मौत हो गई। सुरक्षा गार्ड ने एक जोरदार धमाका सुना और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने उसे खून से लथपथ देखा। वे उसे अस्पताल ले गए लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। क्या यह सिर्फ गलत बाल कटवाने के लिए था? भायंदर के नवगर थाने के पुलिस अधिकारी विजय पवार ने कहा, हम जांच कर रहे हैं। हम परिवार से ये पता लगाने के लिए सवाल करेंगे कि क्या ये वास्तव में गलत बाल कटवाने के लिए था या कुछ और, जैसे ब्रेकअप आदि। चौंकाने वाली बात यह है कि लड़के ने गलत बाल कटवाने जैसी मामूली कारण की वजह से खुदकुशी कर ली। यदि आप में से किसी भी डेफ को ब्रेकअप, बाल कटवाने आदि किसी भी कारण से कोई भी तनाव हो रहा हो या आप जीवन में खुश ना हो, तो अपने जीवन को समाप्त करने या आत्महत्या करने के बारे में कभी ना सोचे। यदि आप तनावग्रस्त हैं, तो अपने दोस्तों से बात करें या ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपका मार्गदर्शन कर सके, या किसी काउंसलर के पास जाएं। अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूभाषीय की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और आप बेहतर महसूस करेंगे। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। आपके बाद आपके परिवार को जीवन भर आपकी कमी खलेगी। खुद को सुरक्षित रखना बेहतर है।